हेलो एवरीवन, कुक एंड ब्लॉग विद संध्या में आप सभी का स्वागत है। रेसिपी पसंद आने पे बहुत बहुत लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को देखते रहें। तो आइए देख लेते हैं इस कटहल की सब्जी को कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बिल्कुल फ्रेश कटहल और ये बिना बीज वाली है, तो 1.25 किलो कर लिया है क्योंकि काटने के बाद कम हो जाते हैं और इसमें बीज बिल्कुल नहीं है। और ये जो कटहल की सब्जी है इसका बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। कटहल काटने के लिए ये देखिए मैंने हाथ में पहन लिया है, अगर हाथ में आपके ग्लव्स नहीं भी पहना है तो आप यहाँ ऑयल, मस्टर्ड ऑयल को लगा लीजिए हाथ में, और ये जो छुरी है ना चाकू इसके ऊपर भी थोड़ा सा आप लगा लीजिए तो ये चिपकेंगे नहीं और ईजी होगा काटने में। हाथों में भी लगा लेंगे जिससे कि जो हम चिपकेंगे नहीं। आज मैं कटहल की कटिंग कैसे की जाती है उसे भी मैं आपको दिखा रही हूँ। कई बार होता है कि हमारे घर में आ जाते हैं और हमें फिर बहुत मुश्किल होती है जो किस तरह से काटें, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस तरह से पेपर ज़रूर बिछा लीजिएगा क्योंकि इसमें से जो ये इसके निकलते हैं ना, दूध निकलता है, तो ये बहुत चिपचिपा सा होता है। और कटहल काटने के लिए इस तरह से पीसेस करके छीलेंगे ना तो फिर आपको आसानी होगी। ये देखिए इस तरह से पीस कर लीजिएगा। इस तरह से पीस करके काटने से जो छिलके हैं ना ये आसानी होती है निकालने में। ये जो कटहल है ना आप देख सकते हैं बिल्कुल बीज नहीं है। इस तरह के जो कटहल है उसकी सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है, या आप कोफ्ता भी बनाए तो भी बहुत अच्छी बनती है। कटहल के छिलके थोड़े से हार्ड होते हैं तो चाकू से अच्छा होता है इस तरह के जो काटने वाले होते हैं, तो मेरे पास है तो मैं इसी से काट रही हूँ और इजी भी होता है इससे काटना ना। आप थोड़ा ऑयल लगा लीजिएगा आपके पास अगर है इस तरह का। आज मैं आधे कटहल से बना रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और आधे कटहल को फ्रीज में रख दूँगी पॉलीथीन से अच्छी तरह से रैप करने के बाद। मैं जब भी बनाती हूँ तो सब्जी वाले से कटवा के ले आती हूँ। काटते समय ये बीच वाला थोड़ा सा हटा लेंगे और पानी में रखते जाएंगे जिससे कि कटहल काले नहीं पड़ेंगे। कई बार हमें दिक्कत होती है, मिल जाते हैं तो काटना ही पड़ता है, तो इसीलिए मैं आज इस टिप्स और ट्रिक के साथ बता रही हूँ। पीसेस आप अपने हिसाब से कीजिएगा, छोटा या बड़ा। और काफ़ी मेहनत के बाद ये देखिए मैंने काट लिया है, और मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं लगा है क्योंकि मैंने पहन रखा था और कोई चिपचिपाहट नहीं है। तो आप अगर ऑयल भी लगा लेंगे ना तो ऐसा उस कटहल का जो चिपचिपापन रहता है वो नहीं होगा। तो पानी में इसको भिगो के रखेंगे। तो सारी तैयारियां मैंने कर ली है। 2 मीडियम साइज़ के आलू को इस तरह से काट कर धो लिया है। तो आप चाहे तो आलू डालकर बनाएं, आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। 2 बड़े साइज़ के प्याज को मैंने काट लिया है इस तरह, तो ऐसे मोटे मोटे ही काटे हैं, बहुत ज़्यादा पतले। आज की ये बिना बीज वाली जो कटहल की सब्जी है ना ये इतना टेस्टी बनती है कि कोई कह ही नहीं सकता कि ये नॉनवेज की सब्जी नहीं है। सबको खाकर भ्रम होने वाला है, तो आगे आगे देखिए क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया है कुछ स्पाइसेस। यहाँ मैंने ले लिया है 5 छोटी वाली इलायची, 3 बड़ी वाली इलायची जिसे कि थोड़ा सा तोड़ लिया है, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च साबुत, थोड़ा सा जावित्री, यहाँ आप 1 से 2 स्टार भी ले सकते हैं, और यहाँ पे दालचीनी 2 से 3 टुकड़ा, और 1 साबुत मिर्च, 2 तेज पत्ते और 4 से 5 ये लौंग, साथ ही 1 छोटा चम्मच जीरा। ये जो स्पाइसेस है ना इसकी मैं छौंक लगाने वाली हूँ, और इसकी छौंक से जो खुशबू होगी ना सब्जी की बहुत अच्छी आती है। मैंने कटहल को काटकर पानी में रख दिया था, साथ ही थोड़ा सा 1 चम्मच नमक भी डाला था जिससे जब सब्जी बनेगी तो ये सॉफ्ट बनेगी। तो ये छोटे छोटे से टिप्स ट्रिक्स के साथ अगर आप बनाएंगे तो आपकी जो सब्जी है बहुत ही अच्छी बनेगी। 1 मीडियम साइज़ लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। लहसुन को छिलके के साथ ही हम पेस्ट बनाएंगे, इससे क्या होता है सब्जी का स्वाद और भी बढ़ जाता है। स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। कटहल की सब्जी को कुकर में ही बनाएंगे और इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप मस्टर्ड ऑयल।
वैसे आप अपनी पसंद का कोई भी ऑयल से बना सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल से बहुत टेस्टी बनती है, क्योंकि कटहल की सब्जी में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगता है तो खाने में अच्छा लगता है। अच्छी तरह ऑयल गर्म हो गई है और धुआं निकलने लगी है, तो इस टाइम हम डाल देंगे ये साबुत जीरा एक छोटा चम्मच, साथ ही डालेंगे ये स्पाइसेस जो मैंने यहाँ लिया था, और ये कश्मीरी रेड चिली, इसको हम तोड़ लेंगे। इस समय मैंने गैस के फ्लेम को कम कर दिया है, जैसे ही हल्का सा चटक जाए फिर इसमें हम डालेंगे प्याज, कटा हुआ प्याज डालेंगे, फ्लेम पे हमें हल्का सा जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर का होगा फिर हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, बीच बीच में चलाते रहेंगे, और ये देखिए इस तरह का कलर हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने थोड़ा सा पानी डालकर पीस लिया था, एक मीडियम साइज का लहसुन और एक इंच अदरक का टुकड़ा, इसको हमने पीस लिया है, और यहाँ मैंने दो चम्मच पानी के साथ इसको डाल दिया है। अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ ही हमें 2 मिनट तक फ्राई करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुकी है, अब इसमें हम डाल देंगे ये रफली चॉपी के टमाटर, एक मीडियम साइज का, इसको आप अलग से फ्राई करके भी डाल सकते हैं, तो मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। देखिए इस तरह का हो गया है, अब इसमें हम ऐड करेंगे ये धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, 1 चम्मच ये जीरा पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, कुटा हुआ काली मिर्च का पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, और इस समय हम डालेंगे ये घी, तो इसे 1 चम्मच डालेंगे। इससे बहुत ही स्वाद बढ़ जाएगी। अच्छी तरह मसाले भून गए हैं, ये देखिए ऑयल दिखने लगी है, इसका मतलब है कि सभी चीज़ों के साथ मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, और कलर आप देख ही रहे हैं, ये देखिए। अब हम डाल देंगे ये कटहल, तो कटहल को मैंने नमक और पानी के साथ भिंगो के रखा था जिससे ये काले नहीं पड़ेंगे और बहुत जल्दी सॉफ्ट भी हो जाएंगे, तो इसको हम जैसे डाल देंगे, छोटे छोटे से पीसेस करके काट लिया है। कटहल के साथ भी हम अच्छी तरह से इसको मिलाते हुए चला लेंगे 1 मिनट के लिए। अब इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, इसका कलर देख के ही समझ रहे हैं कि ये कैसे रेडी होने वाली है, कितना जबरदस्त ये बनने वाली है। आप कटहल को फ्राई करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं फ्राई नहीं करती, मैं इसी तरह से बनाती हूँ, और बहुत अच्छा बनता है, सॉफ्ट बनती है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है।
अंत में डालेंगे गरम मसाला, मैंने पहले छौंक में डाला है और थोड़ा सा डाल रही हूँ, एक छोटा चम्मच, नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। और ये कसूरी मेथी थोड़ा सा, इससे जो सब्जी की स्वाद है ना बहुत स्वादिष्ट हो जाती है, स्वाद बढ़ जाता है। और इसको इस तरह इस तरह से तोड़ लेंगे, बस थोड़ा सा ही डालिएगा, ये देखिए। और इस तरह से बीच बीच में हम चलाते रहेंगे एक से दो मिनट के लिए। ये देखिए दो मिनट तक हमने इस कटहल के साथ फ्राई किया, और ये देखिए अच्छी तरह से ये हो गई है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। यहाँ मैं डेढ़ ग्लास पानी डाल रही हूँ, और थोड़ी सी थिक ग्रेवी अच्छी लगती है इसीलिए ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। आप देख सकते हैं, देखिए बस इतना ही पानी डालेंगे, एक से डेढ़ ग्लास। यहाँ डालेंगे चीनी एक छोटा चम्मच, ये चीनी, ये ऑप्शनल है लेकिन इससे डालने से स्वाद भी बढ़ता है और कटहल का जो एक रसैलापन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। फिर मीडियम टू लो फ्लेम पे हम दो सीटी लगा लेंगे। मैंने दो सीटी लगा लिया है और इसे चेक करते हैं, और ढक्कन के खोलते ही इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, पूरे किचन में फैल गई है। आपको ये सब्जी का कलर देख के ही पता चल गया होगा कि ये कितनी टेस्टी बनी है, और सच में ये बहुत टेस्टी लगती है। एक बार मेरे इस तरीके से आप ज़रूर बना के देखिए, आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। और ये कटहल भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। ये जो कटहल की सब्जी है ना, इसे आप चावल, रोटी, पराठे, पूरी, नान, जैसा भी दिल करे उसके साथ खाइए, लेकिन बनाकर ज़रूर खाइएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कटहल की सब्जी आपको कैसी लगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को देखते रहिएगा। अगर मेरी बनाई गई रेसिपी आज आपको सचमुच पसंद आती है तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा, मैं भी हमेशा आपके साथ हूँ। आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को क्लिक करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को देखते रहें। जल्द मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।